हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है गाइस अपने एक न्यू छोटे से ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग अपन क्या डालते हैं, अपनी बहनों पे शूट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि आज मेरे घर पे मेरे क्या एक मामू आए थे। तो गाइस वो अपनी बाइक लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि बोलते हैं उनकी बाइक पे शूट करना चाहिए, जो कि आपको मैं बता दूंगा कौन सी बाइक है। वो बाइक अपने क्या बोलते हैं अपने ब्लॉग में एक भी यार मतलब ब्लॉग नहीं डाला है, तो अपना एक छोटा सा एक टाइटल भी मिल जाएगा। मैंने सोचा न्यू बाइक के साथ डालेंगे। तो गाइस मैं आपको बाइक दिखाता हूँ कौन सी बाइक है, फिर अपन निकलते हैं राइड। फ्रेंड ये रही बाइक जो अपन अपना ब्लॉग क्या बोलते हैं आज का इस पर शूट करने आ रहे हैं, पल्सर NS 125। बोलते गाइस जे इसको अपन ने अपना ब्लॉग में एक भी बार मतलब वीडियो नहीं बनाई है, मतलब मैंने चलाई तो है मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चलाई है, तो आज अपन इसको अच्छे से चलाएंगे और देखते हैं अपना कैसे क्या फीलिंग आती है। तो मैं थोड़ा आपको बताऊँगा कितनी क्या भगने में है। मेरे ख्याल से एवरेज में तो अच्छी होगी, क्योंकि 125 cc की है तो ठीक ठाक ही देती होगी, मतलब पावर देखेंगे कैसी क्या आती है। तो अपन पहले तो यहाँ से अपन निकलते हैं, चालू करते हैं फिर अपना ब्लॉग यहाँ से। अभी आके आके पक्का बंद क्यों हो रही है। गाइस पता नहीं ये बंद क्यों हो रही है, करंट छोड़ रही है अपना, मतलब हल्का सा रेस देना पड़ रहा है और रेस छोड़ने पे अपने ही बंद हो जा रही है। बटालियन के ही है, क्वार्टर नंबर 4 उनका लड़का हूँ, जावेद रसूल। जावेद रसूल का लड़का हूँ, हाँ बटालियन में ही रहता हूँ। शकल देखी अंकल बहुत बार, बता तो दिया जावेद रसूल का लड़का हूँ। हाँ ठीक है, सिग्नल से पहले निकल देते हैं, रोक लो रोक इस लिए अभी से चालन फालन आ जाए, मतलब पुलिस वाले ने रोक लिया नहीं तो अपन निकल जाते हैं, उनकी ड्यूटी है बटालियन वालों की गेट। अब क्या बोलते हैं हेलमेट का ब्लैक वाइजर है ना, तो समझ में नहीं आ रहा उसको कौन है क्या है, तो उसका भी फर्ज है पूछने का। वैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे नई गाड़ी अभी इसकी सेकेंड सर्विस कराई थी बता रहे थे, वो न्यूटन में फिर मतलब एक सेल्फ में चालू नहीं हो रही। वैसी हल्की सी रेस पर रखा फिर बंद हो गई। अरे ये तो बड़ी दिक्कत है, कई अंकल लिफ्ट मांग रहे थे मगर अपन थोड़ा जल्दी में तो मैं रुकाने में निकल गया। कहीं मैकेनिक की जान पे जाने आएगी क्या, गाड़ी दिखवानी है बंद हो रही है। मैकेनिक की आएगी ना, कौन की है, जाएंगे नहीं नहीं तो वो उधर है बड़ोला की फीस दिया आपने। हां माले की माता की साइड, हां कटरताल की साइड मुड़ना है कि माले की माता पे सीधे सीधे जो मैं चल रहा, ठीक है इसको दिखवाते हैं।
ओहो अरे जे मोड़ी की गजल तार में। तो गाइस पहले तो अपन क्या बोलते हैं उसको दिखवाते हैं क्योंकि ये बंद हो रही है बार बार, मतलब चलाने में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि अपन जैसे गियर डाल रहे हैं रेस दे रहे हैं वैसे ही बंद हो जा रही है। उसको पहले तो अपन थोड़ा मतलब कहीं दिखवाते हैं एक अपनी जान पहचान वाले पे, रेस देते रहनी पड़ रही है इसलिए बंद नहीं हो रही। अब तो चालू ही नहीं हो रही। सेल्फ में करंट में दिक्कत दे रही है। बस एक ही चीज में दिक्कत दे रही है सेल्फ के करंट में मेरे ख्याल से। अभी इसके बोलते अभी तो चालू ही भी नहीं हो रही थी, बीच में ही रोड में फंस रही थी। बाकी तो मतलब कहीं दिक्कत आ रही, ब्रेकिंग भी मेरे को थोड़ी कम लगी जितनी इतनी स्पीड में, मतलब इतनी दूर से ब्रेक लगाया बहुत धीरे धीरे जाके। लगता है इसमें डबल एबीएस ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग में मतलब इतनी सही तरीके से मतलब ब्रेक लगे नहीं, जब मैंने 50 पे जाके ब्रेक लगाया नहीं लगा इतना पूरा दबाया हुआ ब्रेक जब बंद हो गई अपनी गाड़ी जाके। मेरे को नई गाड़ी है अभी के बोलते एक साल भी नहीं हुआ इसको, एक साल के अंदर सेल्फ में दिक्कत दे रही हो, ब्रेक मेरे को तब नहीं लगा। ओ भाई 90 तो टच हो ही गई थी, 90 तो टच हो ही गई थी, मगर मेरे उसकी ब्रेकिंग पे बड़ा थोड़ा वैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, गाड़ी लगवानी है, गाड़ी दिखाने लाए थे उसको, फोन आ रहा है आज फोन आ। अरे बंद हो जा रही है सेल्फ दे रहे हैं ना, बीच में बंद हो रही है बहुत बार। अभी तो ये चालू हो गई, अभी हो ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी, बहुत बार बंद हुई है बीच में चलाते चलाते में। अभी तो एक बार में हो गई, जैसे अपन गियर डाल रहे रेस डाउन करके दोबारा कर रहे ना बंद, करंट कट जा रहा था। क्या इंजन में दिक्कत है? हाँ नई गाड़ी है, थोड़ी टाइम हुआ ही सेकंड सर्विस कराई थी। अच्छा ये ऑप्शन आ रहा था मतलब लाइट जाना चाहिए। अच्छा ये लाइट नहीं जा रही, कोई दिक्कत है तो अपन ने जिधर से लिए उधर ही नहीं, मतलब बड़ी वो है दिक्कत, छोटी मोटी होती तो तुम। मगर अभी तो ये चालू भी हो रही है, अभी चालू ही नहीं हो रही थी, यूं करके मेरे को रेस देना पड़ रही थी। अभी बस मैंने हल्की सी इधर थोड़ी सी खींची, नहीं तो पूरी बंद होती हुई आई है वहां से चंद्रपुरी के नाके के इधर से। मैंने बस हल्की सी इधर फास्ट खींची, सेंसर चेक हुआ।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चल फिर अब तो एक बार में चालू हो रही है, अब बीच में बंद भी नहीं होगी, बंद भी नहीं, बीच में कम से कम 15 बार बंद हुई है जैसे गियर डाल के। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, फ्यूल की दिक्कत आती है। फ्यूल की किस चीज? हाँ फ्यूल गैसता है ना, फ्यूल फिल्टर होता है ना, मॉडल में इशू आता है, तो कोई चेक कराना पड़ेगा कंपनी में। लाइट चली आई, चेक लाइट चली जाएगी ना, पता चलेगा सब सही हो जाएगा। सब जब सब सही है, रीसेट मार देंगे। जब वो इंजन में कहीं भी दिक्कत आ जाती है वो लाइट चालू हो जाती है अपने भी, वही वायरिंग दिखाते हैं। मगर जो चीज़ दिखाने आया था वो तो अपने आप ही ठीक हो गई। कम से कम बहुत परेशान हुआ हूँ, 15 बार बंद हुई है। जैसे ही गियर डाला रेस तो मेरे को डाउन करना पड़ेगी। क्विक शिफ्टर है नहीं इसमें, छोड़ूँ बंद बहुत बार बंद हुई है। जो दिक्कत थी वो तो चल फिर बेसी ठीक हो गई तुम्हारे पास ला के गाड़ी। तो क्या बोलते गाइस, इसमें क्या बोलते हैं, एक जो छोटी सी दिक्कत आ रही थी अपन क्या बोलते हैं वो दिखवाने आए, तो अब वो दिक्कत तो हो ही नहीं रही, जो चालू ही नहीं हो रही थी शुरू में भी। मैंने क्या बोलते हैं जैसे अपना ब्लॉक चालू करा था, इसका फर्स्ट सेल्फ मारा था, चालू ही नहीं हो रही थी वहीं पर ही क्या बोलते घर के सामने 2 बार बंद हो गई थी। मगर अब तो एक बार में चालू बिना क्लीज दबाए। वो भैया बोल रहे हैं क्या बोलते हैं इसका मीटर का ये आ रहा है, शायद से ना वायरिंग में दिक्कत है, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा काम है। तो जिधर से ये गाड़ी है, जो कि बोलते हैं गाड़ी अपनी यहाँ की एम पी की नहीं, MP06 मतलब ग्वालियर की नहीं है, आप नेम प्लेट देख के तो समझ ही गएंगे, MP06 मतलब जो कि है ये अपनी गाड़ी मुरैना की। तो गाइस मतलब अपन गाड़ी में दिक्कत आ गई, मेरे को ऐसा कुछ मालूम नहीं था, नहीं तो अपन अच्छी जगह मतलब थोड़ा ना राइड करने चलते। तो अभी मतलब राइड करी अपन ने, बहुत किलोमीटर अच्छे चला के आए, मगर इतना मतलब फील नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बार बंद हो रही है, आपने भी जो कि देखा हुआ। तो भागने में तो मेरे को अच्छी लगी, मेन चीज़ मेरे को इसकी ब्रेकिंग देख के तो मेरे को डर लग गया, जो मैंने इतनी खींची थी। अभी अपने इसके बोलते ब्रेकिंग आगे जो कि आप देख सकते हो, वो मत पीछे देख सकते हो, क्या बोलते पीछे ना डिस्क ब्रेक नहीं दी है उसमें, आगे डिस्क ब्रेक दी है। तो क्या बोलते भाई मेरे को ब्रेकिंग से तो इसकी बहुत डर लग गया था। वो मतलब पावर पिकअप में भी अच्छी है, वो मतलब ज़्यादा स्पीड में मैंने जो कि अभी इतनी लंबी खींची के बोलते हैं 90 टच कर पाई थी, मतलब 100 टच नहीं कर पाई थी, क्या बोलते हैं इतने में मेरी बेनम टच कर देती है, मेरी बेनम क्या बोलते 6 सेकंड में ही क्या बोलते 80 टच कर देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में क्या बोलते हैं 100 टच कर देगी। अभी मेरे को एक दिन उसका टाइम मिलेगा, क्योंकि बोलते हैं मेरे को भी अपनी बेनम की ना क्या बोलते हैं सर्विस करानी है, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, उसके बोलते हैं ब्रेक ऑयल भी खत्म हो चुका, और प्लस मैं उसका थोड़ा साइलेंसर भी मैं हटवा दूंगा। अपन ने जो साइलेंसर लगवाया था वो बहुत लाउडली है, वो अभी क्या बोलते हैं चेकिंग कुछ ज़्यादा ही चल रही है बोटिंग के टाइम पर, जो कि 7 तारीख की बोटिंग है, अगर अपन गलती से भी पकड़ गए तो अपन बहुत दिक्कत आएगी। तो अपन अपना नॉर्मल वाला साइलेंसर लगवाने वाले, अपन को जो इंजॉयमेंट के लिए लगवाना था साइलेंसर, अपन ने बहुत इंजॉय कर लिया, वो कर लिया लाउड, बहुत बेस भी गाइस क्यों तो बहुत ज़्यादा लाउड है। मैंने दूसरी भी क्लासिक देखी है, उसमें भी वही लॉन्ग बोतल लगा रहता है, मगर ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को भी नहीं मालूम कि वो मेरी गाड़ी इतना साउंड क्यों देती है। मैंने 2-3 बार नोटिस भी कर चुका है, दूसरी की क्लासिक में लगा रहता है, मगर उसका इतना साउंड नहीं फेंकती, अपनी ज़्यादा बेनम फेंकती है। गाइस गाड़ी तो मतलब 125 सीसी के हिसाब से अच्छी है, बस मेरे को ब्रेकिंग मतलब इतनी खास नहीं लगी, एक पल को तो मैं डर गया था, मतलब फुल ब्रेक दबाया था फिर भी मतलब इतनी जल्दी नहीं लगा। तो गाइस मतलब 125 सीसी और जो प्राइस है इसकी, सबसे मतलब स्पोर्ट बाइक में जो आती हैं 125 सीसी आने वाली बाइकों में से अच्छी बाइक है, फिर जो कि आ जाती है मतलब मेरे ख्याल राइडर भी शायद से, राइडर का मेरे को अच्छे से मालूम नहीं है, वो भी शायद से 125 सीसी या 110 ऐसी कुछ सीसी है, जो बाकी ऊपर छोटी मोटी गाड़ी आती है 110 सीसी, वो मतलब भागने में इतनी नहीं रहती जो मतलब आती हैं बाइकें। एक जब अपनी पल्सर हो गई, एक जो एक्सट्रीम हो गई जो कि मैंने एक अपने दोस्त की ली उनने,
उसकी 160 सीसी है मगर, और फिर वो जो R15 MT जे 155 सीसी में आ जाती हैं, मगर वो गाड़ी की और इसकी कंपेयर में बात अलग ही बात हो गई, क्योंकि ये उनकी प्राइस भी ज़्यादा है, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, केस में क्या बोलते हैं 130 में ही आ जाएगी। तो गाइस ये था अपना यहीं तक का ब्लॉग, क्या बोलते हैं गाइस, तो ख़त्म करते हैं अपन अपना ब्लॉग, जल्द से जल्द अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मामू गए नहीं तो अपन क्या बोलते हैं इसका ना सेकंड ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे, और जब उसमें अच्छे से अपन रिव्यू करेंगे क्या था क्या नहीं था। तो भाई ज़्यादा ब्लॉग तो अपन फिलहाल यहीं पर ही अपना ख़त्म कर देते हैं।